दोस्तों आज की इस नई वीडियो में आपको एक नई जानकारी देने वाले और भी इंटरेस्टिंग और आपके काम की आपकी हेल्थ के मुताबिक ये वीडियो आपके लिए मैं लाया हूँ। जी हाँ, आप जानते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में नंबर लगाना मुश्किल होता है। अगर आज लगाते हैं दो दिन बाद, पाँच दिन बाद, दस दिन बाद की नंबर आ जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में बताएंगे किस तरह आप नंबर लगाएं कि जिस दिन आप जाए उस दिन ही आपको डॉक्टर दिखे और आप उस दिन डॉक्टर को दिखा के अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। आपको ना कहीं दौड़ना है, ना कहीं पैसा वेस्ट करना है, बिल्कुल फ्री में आप ऑनलाइन की मदद से अपना, तो आप बड़े बड़े हॉस्पिटल ओपो एम्स हो गया, अपोलो हो गया, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है जैसे कि जहाँ पे आप दिखवाना चाहते हैं लेकिन नंबर आप नहीं लगा पाते हैं तो उसमें आपको बहुत समय लग जाता है और बहुत रुपया भी इधर उधर में चले जाता है। लेकिन आपको आज के इस माध्यम से अगर आप अपना नंबर लगाएंगे, अपना अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आप जिस दिन जाएंगे उसी दिन आपको डॉक्टर देख लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे पूरी चीज़ विस्तार से। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों गुजारिश करेंगे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड रिश्तेदार को भी किसी तरह का दिक्कत ना हो और वो आसानी से अपना नंबर लगा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम की वेबसाइट पर ors.gov.in वेबसाइट। आपको ब्राउजर में सर्च करना है ors.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। इस वेबसाइट पर मैं ब्लड एबिलिटी के रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ब्लड के बारे में, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक और वीडियो दिया था कि मतलब किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आप ऑनलाइन पर्ची अपने घर बैठे लगा सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप कैसे ऑनलाइन पर्ची लगा सकते, नंबर लगा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली से यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट नो पे क्लिक करना होगा। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा। यहाँ पे आपको पूरे 5 स्टेप को फॉलो कर देंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर आपके पास रहना चाहिए और जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड वही आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दे देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना होगा, तो यहाँ पे आप कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप आधार कार्ड से इसको लॉग इन करेंगे तो आपको आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा। अगर आप आधार कार्ड से रजिस्टर नहीं करेंगे तो मोबाइल कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको जो कैप्चर आपको दिखने को मिला, इस कैप्चर को इस बॉक्स में यहाँ पे एंटर कर देंगे। कैप्चर एंटर करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करें। ओटीपी देने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप ओटीपी देके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, मतलब आई हैव आधार, आप आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आपको आधार ऊपर वाले सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे आई डोंट हैव आधार पर सेलेक्ट करना है। अगर आपने पहले से कभी रजिस्ट्रेशन किया है, मतलब कभी पेशेंट का रजिस्ट्रेशन किया, उसका डिटेल निकाल सकते हैं और उसका आप यहाँ प्रिंट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह कैंसिल वगैरह किया तो उसका रिसिप्ट निकाल सकते हैं। तो अब न्यू आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए पर्ची लगाने के लिए यहाँ पे आई हैव आधार पे क्लिक करना है। अगर आप बिना आधार के करना है तो 2 नंबर को सिलेक्ट करना है। मेरे पास आधार है तो मैं आई हैव आधार को सिलेक्ट करूँगा। आई हैव आधार को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिले, स्टेट वाइज और यहाँ पे एम्स है, ठीक है। एम्स में दिखाना चाहते हैं तो एम्स में आप दिखा सकते हैं और एम्स के किस हॉस्पिटल में दिखाना चाहते हैं, एम्स यहाँ पे देखिए, एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, न्यू दिल्ली, पटना, रायपुर, एम्स में किस एम्स में दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको एम्स सेलेक्ट करना। अगर आपको स्टेट वाइज किसी भी दिखाना है किसी भी हॉस्पिटल में तो आपको यहाँ पे स्टेट वाइज पे क्लिक करना होगा। उसके बाद किस स्टेट में आप दिखाना वो स्टेट सेलेक्ट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको हॉस्पिटल सेलेक्ट करना, किस हॉस्पिटल में आप दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं एम्स न्यू दिल्ली को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओके कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है आप डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में आप दिखाना चाहते हैं, मतलब किस विभाग में, हड्डी रोग, नस रोग, फेस, जिस विभाग में, जिस डिपार्टमेंट में आप दिखाना चाहते हैं, ब्रेन हो गया, जो भी आप दिखाना चाहते हैं। तो आपको कैसे पता चले कौन सा, जैसे कि मान लीजिए अगर हड्डी रोग है तो आपको ये वाले सेलेक्ट करना होगा, ये वाले, ठीक है। तो जैसे आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इस डिपार्टमेंट देखा, जैसे आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे तो इस डिपार्टमेंट को किस किस दिन डॉक्टर देखते हैं, मंडे और ट्यूजडे, जो भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे वो डेट आपको दिखा देगा, मतलब दिन कौन कौन दिन किस दिन डॉक्टर देखते हैं,
ठीक है, यहाँ देखिए 2 दिन मंडे और ट्यूजडे को इसको ओके कर देंगे। अब देखिए ये जो है ये इसको क्या कहते हैं, ठीक है, मतलब इस पोस्ट को, मतलब कि इस डिपार्टमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपको इसके लिए आपको ये जो है आपको इसके लिए गूगल ट्रांसलेट पाना होगा, और जो भी यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट है इस डिपार्टमेंट को यहाँ पे आपको टाइप कर देना होगा। डिपार्टमेंट टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए हड्डी रोग आ गया। अगर हड्डी रिलेटेड कोई भी तरह की आपकी परेशानी है आपको ये वाले सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ से आप ट्रांसलेशन कर सकते, ट्रांसलेट कर सकते हिंदी में बहुत आसानी, जिसमें आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसी तरह आप जो भी आपका होगा डिपार्टमेंट, मतलब फेस अगर दिखाना चाहते हैं स्कीम, तो आपको ये देखिए स्कीम है, आई सेंटर है, विभाग आपको सेलेक्ट करना, मतलब किस रिलेटेड आपको बीमारी, मतलब कि दिक्कत आ रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड बटन भी क्लिक करना होगा। प्रोसीड बटन में जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह के सेंटर पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए करंट मंथ यानी कि मार्च का दिखा रहा है, मार्च में देखिए यहाँ पे डेट दिया गया और उसके नीचे कितना सीट है, मतलब कितना डॉक्टर देखेंगे। अभी यहाँ पे सभी में 0 है, मतलब सीट फुल है। तो हम नेक्स्ट मंथ को ट्राई करेंगे, नेक्स्ट मंथ को ट्राई करने के यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। ये देखिए अप्रैल 2020 आ चुका है, तो यहाँ पे देखिए अप्रैल में भी यहाँ पे 8 अप्रैल को 85 सीट है, 9 अप्रैल को 86 सीट है, उसके अलावा भी सीट नहीं है। तो उसके जिस भी आप दिन बुक करेंगे वो दिन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद वहाँ भी यहाँ पे डेट भी आपको दिखा देगा, और यहाँ से चेंज डिपार्टमेंट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ बुक करने के लिए प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना होगा। प्रोसीड बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेशेंट का आधार नंबर देना होगा। पेशेंट का आधार नंबर देने के बाद आपको इस कैप्चर को यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा, जो भी कैप्चर आप यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। कैप्चर फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे टिक मार्क लगा देना, टिक मार्क लगाने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे कैप्चर जो है वो रॉन्ग हो चुका था, फिर से हमें फिलअप करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर से कैप्चर इंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे, फिर से सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए ओटीपी मांग रहा है, 1 टाइम पासवर्ड, जो कि आपके रजिस्टर्ड आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसी पे गया होगा, तो आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। इंटर करेंगे, ओटीपी इंटर कर चुके हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चर दिखने को मिला इसी कैप्चर को आपको यहाँ पे इंटर कर देना होगा। कैप्चर इंटर करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के कुछ तो सेंटरफेस आपको देखने को मिला, पूरा डिटेल आप करेगा। यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना होगा, तो जैसे आप बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ तक सेंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फिक्स डेट मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट नंबर मिल जाएगा, इसको आप कॉपी कर लेंगे, ये काम आएगा आगे, ठीक है। यहाँ पे आपको UHH ID नंबर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट रिसीप्ट करते हैं, और उसके लिए आप पेमेंट भी आपको कटाना होगा, पेमेंट भी देना होगा, यहाँ पे नो करना होगा या प्रिंट रिसिप्ट भी कर सकते हैं। चाहे मैं पेनो करके देखता हूँ कितना चार्ज लिया जाता है, यहाँ पे मैं पेनो पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए 10 रुपये, यहाँ कि 10 रुपये आपको नंबर लगाने का लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, 10 रुपये आपको एक पर्ची के लिए देना होता है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट प्लस ATM पिन, नेट बैंकिंग, QR कोड, UPI से अभी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आपको कर देना होगा, यहाँ पे UPI को सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे भी करना चाहते यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेमेंट को करवा लेना, यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करना होगा, आपको इस रिसिप्ट को प्रिंट करके आपको जो भी डेट मिला उस डेट को वहाँ पे जाना होगा। देख लीजिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और मिल जाए, यहाँ पे आपको सबसे पहले अलाउ कर लेना होगा। यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड में फोटो, वो फोटो भी आपको दे दिया गया है, जो भी आधार कार्ड में नाम था वो भी दे दिया गया है, ऑटोमेटिक आधार कार्ड से डिटेक्ट कर लिया गया, और आपका जो मतलब डिटेल था वह सारे डिटेल को यहाँ पे इन्होंने लोड कर लिया है, ठीक है। ये देखिए अपॉइंटमेंट नंबर है, QR कोड है, डिपार्टमेंट है, आपका फोटो, मैंने फोटो अपलोड नहीं किया था लेकिन हमारा आधार कार्ड से फोटो ले लिया गया, और मेरा नाम भी, मैंने नाम भी कहीं भी फिलअप नहीं किया था। और यहाँ पे देख लीजिए समय भी दिया गया, डेट भी दिया गया और समय भी दिया गया, 8 बजे सुबह से लेकर 9 बजे सुबह के बीच में आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा एज भी दिया गया, एज जो है वो आधार कार्ड से ले लिया गया है, ठीक है। और रिक्वेस्ट मोड कहाँ से रिक्वेस्ट किया गया, वेब से किया गया, कब किया गया, वो भी डेट आपको मिल जाएगा। मोबाइल नंबर और UID नंबर, इसको आपको प्रिंट कर लेना होगा। मैं फिलहाल अभी इनको सेव कर लेता हूँ।
तो यही पर्ची को लेकर आपको जाना है जिस डेट को आपने बुक किया उस डेट को। और मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, तो आपने बुक कर लिया, इसी तरह आप कर सकते हैं, उस डेट को जाएंगे आप वहाँ पे डॉक्टर को दिखा लेंगे। इसमें आपको 10 बजे जाने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार जिस दिन आपने बुक किया उसी दिन आपको जाना होगा। यहाँ पे आप बुक पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं, यहाँ पे फिर वेबसाइट पे आएंगे, पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट आप बाद में करना चाहिए कर सकते हैं। तो यहाँ फिर से पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पे यू अपॉइंटमेंट नंबर से या यूडीआई नंबर से या मोबाइल नंबर जिससे भी करना चाहिए वो सेलेक्ट करेंगे, ये नंबर डालेंगे, उसके बाद ये कैप्चर को यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके कैप्चर एंटर करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, पेमेंट आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके मोबाइल पर ओटीपी गया होगा, ओटीपी आपको देना होगा। ओटीपी देने के बाद यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, कुछ ऐसे सेंटर पे आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका एड्रेस भी आपको दिखने को मिल जाएगा और पूरा चीज़ यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है। यहाँ से आपको देखिए यहाँ पे एक रुपया का ऑप्शन है, तो रुपया, ठीक है, रुपया का आइकन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप पेमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर से ये रिडायरेक्ट कर दिया हमें पेमेंट के पेज पे, फिर से हमें वहीं ले जाकर छोड़ दिया है। तो इस तरह आप पेमेंट कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट पाएंगे, कभी भी अपॉइंटमेंट फिर से आपको, ठीक है, अपॉइंटमेंट पाकर फिर से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसी तरह आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और नंबर लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं आओ कहाँ किस डेट को कितना सीट खाली है। तो इससे आपके समय की बचत भी होगी, आपकी रुपया की बचत भी होगी, आपकी हर चीज़ की, आपकी मेहनत की भी बचत होने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो किसी और टॉपिक पे चाहिए तो वीडियो का टॉपिक हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम जल्द से जल्द आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो लाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।